हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम नो कांटेक्ट पर रीडिंग करने वाले हैं। जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं और लेस कांटेक्ट में हैं या फिर ब्लॉक सिचुएशन है जिन जिन लोगों का, तो वो लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस होगा, जब भी जिसके सामने आएगा तब उसके कारण सिचुएशन से मैच करेगा। कोई भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। और सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सी, विडो कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स, जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स, जो भी नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स, जो भी नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स, जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज एंजल गाइड मी। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स, जो भी नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन आपके तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन में जगलिंग कर रहे हैं, डर डर के वो आगे बढ़ रहे हैं। और कभी कभी उनको लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा साइलेंट में हैं। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट थॉट, करंट सिचुएशन क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट थॉट, करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज एंजल गाइड मी। जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, उनके पर्सन की करंट थॉट, करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज एंजल गाइड मी। करंट थॉट, करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स, जो भी नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, फ्रेंडलीनेस, इनोसेंस, वार्डन, तो बहुत सारे लोगों के पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, जिनका वार्डन है उनके ऊपर। और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, आपको पार्टनर मानते हैं, वो सोलमेट मानते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच फ्रेंडशिप बहुत अच्छा था पास्ट में, वो आपके फ्रेंड की तरह है या फिर बेस्ट फ्रेंड है। कुछ लोगों का था फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, हो सकता है बहुत सारे लोगों का। तो फिलहाल वो आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल्ड देख रहे हैं, अपनी पोजीशन में वो देख रहे हैं और होपफुल है आपकी तरफ। वो कोई ना कोई जेस्चर वो करना चाह रहे हैं, आपको न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, पैशनेट है आपकी तरफ, बहुत क्विकली वो आना चाह रहे हैं आपके तरफ, इंटेंशनली आना चाह रहे हैं, बहुत पुल फील कर रहे, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और पैशनेटली आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। और सन का कार्ड है, एक्शन हो सकता है आपकी तरफ, कोई ना कोई एक्शन वो ले सकते हैं, रियूनियन यहाँ पर हो सकता है। फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है तो आपके पर्सन आपके तरफ वापस आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा होपफुल है इस रिश्ते में, आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल देखते हैं आपके पर्सन ने। ठीक है, लेकिन फिलहाल वो बहुत ज़्यादा साइलेंस में है, खुद के अंदर झांक रहे हैं वो और उलझन से बाहर आने की वो कोशिश कर रहे हैं। और कुछ सिचुएशन में वो जागलिंग है, डर डर के आगे बढ़ रहे हैं वो, और कभी कभी उनको लग रहा है कि वो आपकी तरफ आए, और कभी कभी उनको लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए अभी, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए या फिर मेरे पर्सन ही वापस आ जाएंगे मेरे तरफ, इसीलिए वो नहीं आ रहे गाइस। ठीक है, तो आपको भी नहीं जाना चाहिए, उनको ही आने दीजिए, लेकिन क्योंकि
जो इस रिलेशनशिप में जो भी है आप दोनों के बीच, हो सकता है कि उन्होंने ही भागे हैं आपसे इसीलिए आप वेटिंग में हो, या फिर उनका ही गलती ज़्यादा है इसीलिए आप वेटिंग में हो। और यहाँ पर कुछ लोग के पर्सन अटके हुए हैं, कंडीशनिंग का कार्ड आया है तो बंधे हुए फील कर रहे हैं। और कुछ लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, लेकिन उनको कोई ना कोई गाइडेंस दे रहा है, आगे की तरफ रास्ता दिखा रहा है पॉजिटिवली, ठीक है। तो कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मेरे वीडियो का साउंड कम आता है, मतलब आता नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती गाइस, मैं माइक यूज़ करती हूँ। और मेरे सिस्टम में मैं जब रीचेक करती हूँ, देखती हूँ वीडियो, तो साउंड मुझे सही सुनाई देता है, ठीक है। वॉल्यूम के हिसाब से जब मैं फुल वॉल्यूम देती देती हूँ तब बहुत ही ज़ोर से सुनाई देता है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि यूट्यूब में डालने के बाद भी जब मैं चेक करती हूँ तब भी मुझे साउंड का जो क्वालिटी है वो सही ही लगता है, ठीक है। तो पता नहीं, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करते हैं कभी कभी कि मैम आपका जो आवाज़ है, साउंड है वीडियो का, तो वो थोड़ा सा स्लो है, मतलब थोड़ा सा लो है, ठीक है, साउंड सुनाई नहीं देता है ठीक तरह से। मुझे नहीं पता है कि क्यों हो रहा है, मुझे तो कोई भी फॉल्ट नज़र नहीं आता है, सुनाई नहीं देता है, मैं जब रीचेक करती हूँ या फिर अपलोड करती हूँ या फिर बाद में भी अगर जब देखती हूँ वीडियो को कभी, तो तब भी मुझे साउंड का कोई भी इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मेरे सिस्टम से तो सही सुनाई देता है, मुझे सही सुनाई देता है। और मुझे मेरे जो भी व्यूअर्स देखोगे इस रीडिंग को आगे जाके, तो मेरा यही क्वेश्चन है कि मेरा जो वॉइस है आपको ठीक तरह से सबको सुनाई देता है, या फिर किसी किसी को प्रॉब्लम हो रहा है साउंड का, या फिर सबके लिए ही साउंड स्लो आ रहा है, साउंड लो आ रहा है। तो ये ज़रूर मुझे कमेंट में बताना आप लोग कि किसको कितना साउंड आ रहा है, ठीक है, सबको ही लो साउंड आ रहा है या फिर किसी किसी को लो साउंड आ रहा है, ये मुझे बताना। क्योंकि मैं जब रीचेक करती हूँ, जब भी देखती हूँ, मुझे तो साउंड में कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आता है, मुझे तो सही से सब सुनाई देता है, ठीक है। मतलब मेरे सिस्टम में जो वॉल्यूम है उसको आप, उसको जब मैं ऑफ करती हूँ तब बहुत ज़ोर से सुनाई देता है, ठीक है, और जब लो करती हूँ तब मीडियम सुनाई देता है। तो मेरे हिसाब से एकदम सही है साउंड जो भी जितना भी है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करते हैं कि मैम बहुत आस्ते बोलते हो आप, ठीक है, बहुत लो है साउंड। तो आप लोग थोड़ा सा मुझे कमेंट में बताओ कि सबको क्या लो सुनाई देता है या फिर किसी किसी को लो सुनाई देता है, ठीक है गाइस। तो सॉरी मैंने आप लोग का टाइम ले लिया यहाँ पर। तो चलिए इस कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं हर रोज़ की तरह टैरो से। प्लीज एंजल क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स, क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स, क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। इंटेंसिटी क्यों आया है एंजल? आप दोनों के बीच ब्रेकअप सिचुएशन है, आपके पर्सन डर रहे हैं आपके तरफ आने के लिए, जो मैंने बोला डर डर के आगे बढ़ रहे। कुछ लोग के पर्सन आपके तरफ आना तो चाहते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी फील करते हैं आपकी तरफ, पुल फील करते हैं, लेकिन उनको स्ट्रेंथ चाहिए आपकी तरफ आने के लिए, पावर चाहिए, दुविधा में है वो आपकी तरफ आए कि ना आए, इसीलिए बहुत सारे लोगों कॉल मैसेज रिसीव नहीं हो रहा है। आपके पर्सन दुविधा में है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो आप लोग भी वेट करो पॉजिटिवली, ठीक है, और फॉरगिव कर दो आपके पर्सन को, उनके लिए कोई भी मन में नेगेटिविटी नहीं रखना है। नेगेटिविटी रख के आप मैनिफेस्ट करोगे तो वो नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप आपके पर्सन को चाहते हो उनके बारे में पॉजिटिव सोचो, आप दोनों का जो भी अच्छा मोमेंट है, जो भी गुड सिचुएशन है उनके बारे में सोचो, रिकॉल करो, मैनिफेस्ट करो, ठीक है। जो भी गलती उन्होंने किया है उनको माफ़ कर दो, अगर आपने माफ़ नहीं कर पाए तो उनको एक्सेप्ट करके क्या करोगे, है ना, उनको वापस अपनी लाइफ के ले आके क्या करोगे आप। आपको पहले जो करना, अगर वही पर्सन आपको वापस चाहिए तो उनका जो भी गलती है, उन्होंने जो भी आपके साथ वाला बुरा जो भी किया है, ठीक है, जान के किए हैं ना जान के किए, जो भी किए हैं उनको माफ़ करना होगा आपको, पहले दिल से माफ़ करना। ये नहीं है कि तुम आप बोल रहे हो कि हाँ माफ़ मैंने कर दिया है, कर चुकी हूँ माफ़,
ऐसा नहीं है, दिल से पूरा माफ करना है वो। उसके लिए कोई भी आपके मन में कोई भी गलत भावना नहीं रहना चाहिए कि उसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, दुख दिया है, मुझे टॉर्चर किया है। ठीक है, हाँ किया है उन्होंने, पर आपको अगर आपको चाहिए तो उनको माफ़ करना होगा दिल से कि जो भी किया है वो मेरे पार्टनर है और मैं उसको ही चाहती हूँ। तो आप उनको माफ़ कर सकते हो तो आप उनको एक्सेप्ट कर सकोगे। ठीक है, और वो आएंगे भी। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहना है। आपके पर्सन आपके तरफ आना चाह रहे हैं, उनको स्ट्रेंथ चाहिए और वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों की नेगेटिव थिंकिंग की वजह से हो सकता है कि सिचुएशन डिले हो रहा है। यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट क्यों आया है जर, मोमेंट टू मोमेंट क्यों आया है जजमेंट, विक्ट्री, विक्ट्री जरूर मिलेगा गाइस आप लोगों को। जजमेंट होगा डिवाइन की तरफ से, जो भी जगलिंग सिचुएशन है, जो सिचुएशन आगे मूव नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सन डर रहे हैं या फिर दो सिचुएशन में जगलिंग कर रहे हैं, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो वहाँ पर डिवाइन की तरफ से जजमेंट होगा और आपकी तरफ विक्ट्री मिलेगा, आपके तरफ आपके पर्सन आ रहे हैं गाइस। ठीक है, साइलेंस क्यों आया है जय, बॉटम से नाइट ऑफ कप से इमोशनल है आपके पर्सन, लॉयल है आपकी तरफ। जो भी चॉइसेस है, जो भी कंफ्यूजन है वो यहाँ पर एंड होगा गाइस। जो भी अदर सिचुएशन आपके पर्सन को कंफ्यूज कर रहे थे वो सिचुएशन एंड होगा। आपके पर्सन आइसोलेशन में है, साइलेंटली सोच रहे हैं वो और सोर्स ढूंढने की वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एंड किया जाए जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच। और आपके पर्सन आपके तरफ आने के लिए एक स्टेप उठा चुके हैं, लॉयल है। देखिए मैंने बोला है कि आपके तरफ आने के लिए, देखिए बॉटम से कार्ड, एट ऑफ बैंड्स, दी लवर्स, रीयूनियन होने वाला है बहुत सारे लोगों का यहाँ पर। वार्डन क्यों आया है एंजल, कैसा वार्डन है, जो भी वार्डन है वहाँ से आपके पर्सन बाहर आना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, कोई डेविलिश एनर्जी हो सकता है आपके रिश्ते में। और आपके पर्सन आइसोलेशन में है, ओवर थिंकिंग कर रहे, सोच रहे हैं, रास्ता ढूंढने की वो कोशिश कर रहे आपके तरफ आने के लिए। और हो सकता है उन्होंने पहले आपको चीट किया, आपसे भागा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, दुखी है, पछतावे में है वो कि उन्होंने पहले आपको चीट किया है, धोखा दिया है, आपसे भागा है। ठीक है, इसीलिए वो केयर फ्री होके आपके तरफ आना चाह रहे हैं। ठीक है, जो भी गलती उन्होंने किया है उस गलती को भूल के आपके तरफ आना चाह रहे हैं, इसीलिए टाइम लग रहा है क्योंकि उनको पछतावा है, रिग्रेशन है कि क्यों उन्होंने आपके साथ गलती किया। ठीक है, तो वो जो उन्होंने जो रियलाइज किया है खुद की गलती, जो रियलाइज उन्होंने किया है, इसीलिए वो शर्मिंदा है, इसीलिए वो आ नहीं पा रहे, डिले कर रहे आने के लिए। ठीक है, फ्रेंडलीनेस की माया है एंजल, देखिए सेलिब्रेशन आ रहा है गाइस आपके लाइफ में, आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लीवलेस नाइट है, दुखी है आपके बिना, वो पछतावे में है, सो नहीं पाते हैं, रात को उठ के बैठ जाते हैं वो, और इमोशनल है बहुत ज़्यादा आपके तरफ। मेमोरी ऑफ लव का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों का जो भी मेमोरी है पास्ट का, जो भी टुगेदर टाइम है, वो चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं, जब आप घूमने जाते थे, डेट पे जाते थे, एक साथ टाइम स्पेंड करते थे आगे, तो तब का सिचुएशन वो सोचते हैं और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, जेस्चर करना चाह रहे हैं। सेलिब्रेशन ज़रूर आएगा गाइस, 3 वीक के अंदर आ सकता है, 3 डेज के अंदर आ सकता है, आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आ सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं गाइस। ठीक है, और यहाँ पर 6 भी इम्पोर्टेंट है बहुत सारे लोगों के लिए, 6 आवर्स, 6 डेज में वापस आ सकते हैं, 6 वीक में आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आ सकते हैं। इनोसेंस क्यों आए हैं एंजल, अगर आपके पर्सन इनसिक्योर हो रहे थे तो वहाँ से वो बाहर आ जाएंगे, अगर डर रहे थे तो उस सिचुएशन से बाहर आएंगे, आपको जेस्चर करेंगे, वो एक्शन लेंगे आपकी तरफ और स्टेबिलिटी वो देंगे आपको। ठीक है, जो भी ब्रेकअप सिचुएशन है आप दोनों के बीच, आपके पर्सन ने मैनिफेस्ट कर रहे आपके तरफ आने के लिए। आपके पर्सन का हेल्थ इश्यूज हो रहा है फिलहाल, हो सकता है, और फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन उनका अच्छा नहीं चल रहा है। शेयरिंग का कार्ड क्यों आया है एंजल, शेयरिंग क्यों आया है,
फिलहाल आपके पर्सन हार्मिट मोड में है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वो कर रहे हैं और आपको लेके पॉजिटिव हो रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच जो भी ऑब्स्टिकल्स है, कुछ कार्मिक सिचुएशन हो सकता है, वहाँ पर आपके पर्सन स्टैंड लेना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं आपके पर्सन, खुद की इंट्यूशन को वो फॉलो कर रहे हैं और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच, वहाँ पर स्टैंड लेना चाह रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेके और सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि कैसे आपकी तरफ आए, और खुद की इंट्यूशन को वो फॉलो कर रहे हैं, उनका इंट्यूशन उनको आपकी तरफ ही गाइड कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस क्यों आया है एंजल, एग्जिस्टेंस क्यों आया है? शादी के लिए होपफुल है आपके पर्सन, आपके साथ शादी करना वो चाह रहे हैं, और हो सकता है आप दोनों के बीच ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये नो कॉन्टैक्ट है तो ब्रेकअप होगा ही आप दोनों के बीच। और आपके पर्सन इमोशनल है आपकी तरफ, शादी करना चाहते हैं आपको और होपफुल है इस रिश्ते के लिए, और जिन लोग ऑलरेडी मैरिड हो आपके पर्सन आपकी तरफ प्यार की काब लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है। दी सोर्स क्यों आया है एंजल, दी सोर्स क्यों आया है? बॉटम से थ्री ऑफ बेंट, वेटिंग में है आपके पर्सन आपकी तरफ आने के लिए, सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए, और कोई कंट्रोलिंग फीमेल हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में जो कि उनको कंट्रोल कर रहा है। आप दोनों के बीच लीगल सिचुएशन हो सकता है, कोर्ट कचहरी का मामला हो सकता है, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में कोई लीगल सिचुएशन हो सकता है, कोर्ट कचहरी का मामला हो सकता है। अगर आप दोनों के बीच फाइट हुआ है तो यहाँ पर सिचुएशन बैलेंस हो जाएगा। आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं आपके पर्सन और आपको ही वो स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं गाइस, ठीक है। आपके तरफ स्टेबिलिटी लेके आना चाह रहे हैं, रियूनियन चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, जो भी फाइट हुआ है उसको बैलेंस करना चाह रहे हैं, रियूनियन चाह रहे हैं। और जो लोग भी मैरिड हो उनके पर्सन के साथ हो सकता है कि डिवोर्स का केस चल रहा है या फिर डिवोर्स तक बात जा चुका है, तो वहाँ पर आपके पर्सन सिचुएशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड आया था तो वो भी बैलेंस को दिखाता है, रियूनियन को दिखाता है, और कोई कंट्रोलिंग फीमेल हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में, डिवोर्स या फिर विडो हो सकता है जो कि आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल देखते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट देखते हैं और सेल्फ लव करते हुए, ग्रो करते हुए देखते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। फिलहाल वेटिंग में आपके तरफ आने के लिए, और आप दोनों के बीच फाइट हुआ है गाइस फैमिली को लेके, या फिर फैमिली थर्ड पार्टी है जहाँ पर आपके पर्सन अटके हुए हैं, बर्डन सम है आपके पर्सन को, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाह रहे लेकिन उनको उठाना पड़ रहा है। कंडीशनिंग क्यों आया है एंजल, कहाँ पर अटके हुए हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, क्यों बांधे हुए फील कर रहे हैं, फैमिली में अटके हुए हैं। फैमिली थर्ड पार्टी है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए अदर पर्सन भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ आने के लिए खुद को प्रिपेयर कर चुके हैं। बहुत दिनों का रिश्ता हो सकता है आप दोनों के बीच, और यहाँ पर आपके पर्सन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी लेके आना चाह रहे हैं। जहाँ पर भी अटके हुए हैं आपके पर्सन वो सिचुएशन को एंड करना चाह रहे हैं, दी वर्ल्ड कार्ड आया है तो यहाँ पर एंड होगा वो सिचुएशन, ठीक है गाइस। तो ये था नो कॉन्टैक्ट के लिए रीडिंग, तो अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कितना रेजोनेट हो रहा है नहीं हो रहा है, और 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो 3 वीक 3 मंथ के अंदर बहुत सारे लोगों का पर्सन वापस आ सकते हैं, रीयूनियन हो सकते हैं, और कुछ लोग के लिए 3 डेज या फिर 6 डेज के अंदर भी कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए मैं कार्ड को मैनेज कर लूं, उसके बाद गाइडेंस हम लेंगे कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है।
चलिए गाइडेंस देखते हैं। प्लीज एंजल गाइड मी, इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, ठीक है, आज हम एंजल गाइडेंस भी लेंगे वहां से। क्वीन ऑफ कीस, खुद के ऊपर फोकस करो, खुद के करियर में फोकस करो, ठीक है। अगर कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना चाहिए या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में फोकस करना चाहिए, तो एंजल का आंसर है, एंजल बोल रहे कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, गॉड के ऊपर बिलीव रखना चाहिए, ठीक है, गॉड को प्यार करना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन हो सकता है कि कुछ लीगल सिचुएशन या फिर कोर्ट कचहरी का मामला यहाँ पर एग्रीमेंट तक जा सकती है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर खुद को कैद करके रखे हो, ठीक है, जेल की तरह, जेल में जैसे कैद करके रखा जाता है उसी तरह कुछ लोग खुद को कैद करके रखे हो, बाहर घूमने नहीं जा रहे हो, किसी के साथ बातचीत नहीं कर रहे हो हंस के, ठीक है, खुद को बंधे हुए सा फील कर रहे हो आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, आपको दिल से खुश रहना चाहिए और हैप्पी रहना चाहिए, जो भी आपको खुशियाँ देती है, जो भी चीज़, जो भी काम, वो सारे काम आपको करना चाहिए, ठीक है। आकाशिक लाइब्रेरी का कार्ड आया है, तो ये कुछ लोग के लिए हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर राइटर हो सकते हो या फिर लिखना पसंद करते हो या फिर लिखने पढ़ने की चीज़ पसंद करते हो या फिर नॉलेज आपको, आपका नॉलेज बढ़ सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। और बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो गाइस, यहाँ पर आप लोग के लिए ये वार्निंग है कि कुछ लोग का फाइट हो सकता है, ठीक है, फैमिली में हो सकता है, ऑफिस लाइफ में हो सकता है, करियर लाइफ में, जहाँ पर भी आप जुड़े हुए हो या फिर आपके घर के आसपास सोसाइटी में फाइट हो सकता है गाइस। विल, विस्डम एंड माइंड, तो आपको आपका पावर रिसीव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नॉलेज रिसीव हो सकता है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, विस्डम रिसीव होगा, आप बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जन करोगे, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। तो जो मुझे मेजर यहाँ पर दिखा है, आपके खुद के ऊपर काम करना है और खुद को बांध के नहीं रखना है, खुश रहना है, एंजॉय करना है, घूमना फिरना है, जो भी आपको पसंद है वो करना है। चलिए आज आप लोगों के लिए मैं एंजल का आंसर देख लेती हूँ कि एंजल आपको क्या बोलना चाह रही है सिचुएशन में, कि क्या करना चाहिए आपको। प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशन में, जो लोग भी नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लेस कांटेक्ट में है, ट्रस्ट, आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना है, एंजल के ऊपर ट्रस्ट रखना है। यस, पॉजिटिविटी आ रहा है गाइस, अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछा है तो उसका आंसर यस है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो कुछ मंथ के अंदर आपके पर्सन वापस आ सकते हैं, फिर कोई क्वेश्चन अगर पूछे है तो उसका आंसर नो है, नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन द नियर फ्यूचर, तो नियर फ्यूचर में हैप्पीनेस आ रहे हैं आपकी तरफ, नॉट द राइट टाइम, ये आपके लिए सही समय नहीं है गाइस, इट्स अप टू यू, तो कुछ चीज़ आपके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि आप जैसा सोचोगे, जैसा रहोगे, जैसा अपनी लाइफ में फोकस करोगे, ग्रो करोगे, उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। पीसफुल रिजोल्यूशन, इफ़ यू बिलीव, बार बार ये कार्ड आ रहा है, इफ़ यू बिलीव, इट्स अप टू यू, ट्रस्ट, तो अगर आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट है, बिलीव है, तो आप वेट करो, पीसफुल रिजोल्यूशन आएगा, कॉल मैसेज आएगा, ये सही टाइम नहीं चल रहा है, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, नियर फ्यूचर में आपके पर्सन वापस आ सकते हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ के अंदर भी वापस आ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है जॉब में, करियर में, वहाँ का भी रिजोल्यूशन आ सकता है, रिजॉल्व हो सकता है सिचुएशन, ठीक है। तो गाइस ये था आप लोगों के लिए गाइडेंस, और
नो कांटेक्ट का रीडिंग। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कितना रेजोनेट हुआ नहीं हुआ, और लाइक कीजिएगा। जिसको भी कॉल मैसेज रिसीव होता है वो कमेंट में बताइएगा ताकि मुझे भी हो मिले, और आप लोगों को भी अदर जो व्यूअर्स मेरे उनको भी पता चले कि हाँ किसी ना किसी को कॉल मैसेज रिसीव हो रहा है तो मुझे भी रिसीव होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो गाइस। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अच्छे से रहिएगा, टेक केयर योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।